अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति को झटका देने में प्रशासनिक अफसर पीछे नहीं है। मवाना के SDM कमलेश गोयल की कोर्ट में चल रहे विवाद को निपटाने के नाम पर उन्हीं के पेशकार को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए आज एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार पेशकार जरूर हुआ है, लेकिन SDM की कार्यप्रणाली भी संदेह के दायरे में आ गई है। फलौदा थाना क्षेत्र के गांव नगौरी निवासी हरि सिंह का एक केस SDM मवाना कमलेश गोयल की कोर्ट में चल रहा है। 19 अक्टूबर को बहस के बाद फैसले के लिए 23 अक्टूबर की तारीख तय थी। हरि सिंह ने बताया कि 23 तारीख को जब वह वहां पहुंचा तो SDM के पेशकार सुलझन ने फैसले के बदले 25,000 रुपए की मांग की। असमर्थता पाते हुए हरि सिंह ने इसकी शिकायत DM मेरठ के बालाजी से की। DM के निर्देश पर एंटी करप्शन टीम के प्रभारी अशोक कुमार को जांच के निर्देश दिए गए। योजना के तहत पेशकार सुलझड़ को 25,000 रकम देने के लिए हरि सिंह से बुलवाया गया। जब हरि सिंह ने सुलझड़ को रकम सौंपी तो टीम ने उसे दबोच लिया। टीम को देख सुलझड़ ने नोट फेंक दिए। इस दौरान हंगामे के बीच टीम सुलझड़ को लेकर थाने आ गई। यहां टीम ने जब सुलझड़ के हाथ में पानी डाला तो रंग उतर आया। फिलहाल टीम सुलझड़ से पूछताछ कर रही है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।